उन्होंने कहा कि बेटा, हमने तुम्हें नया सीखने भेजा था, पुराना भूलने नहीं भेजा था। और जो नया पुराने को भुला दे तो समझ लो बेटा कि नए में दोष है। बड़े सपने वही देखते हैं जो छोटे शहरों में जन्म लेते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण मैं स्वयं हूं। मैं ठेठ देहाती परिवेश का व्यक्ति हूं, ठेठ ग्रामीण अंचल का व्यक्ति हूं। किसी भी गुरु की सदकृपा अगर आपके ऊपर हो जाए तो आप विश्वास कीजिए कि आपको सिर्फ सपने देखने की ही नहीं, सपनों को पूरा करने का भी रुतबा आपके अंदर पैदा हो जाएगा। तो अपने इस ग्रामीण परिवेश की बात को अपने दिमाग से निकाल देना और इस बात के ऊपर विश्वास करना, फख्र करना। क्योंकि जो बच्चा, जो व्यक्ति अपनी जड़ों के ऊपर फख्र करता है, विश्वास कीजिए संसार उसी के फल की प्रशंसा करता है। गुरु आम को इमली नहीं बनाता, गुरु देख लेते हैं, पहचान जाते हैं कि ये इमली है कि आम है। और इमली को वो इमली बनाते हैं और आम को वो आम के जैसा बनाते हैं। जब मैं छोटा था, क्राइस्टचर्च में पढ़ता था, सर आपको एक वाकया मैं एक शेयर करूंगा। हमारे माता, हम लोग तो थे गांव के लोग थे, लेकिन हमारे माता पिता बड़े इन बच्चों के माता पिता के जैसा सोचने वाले थे, क्योंकि इनके माता पिता ने भी इन्हें अच्छा पढ़ाने और बढ़ाने के लिए यहां पे भेजा है। तो हमारे घर में जब हम लोग घर से निकलते थे तो बड़ों के पैर पड़ते थे, घर में घुसते थे तो बड़ों के पैर पड़ते थे सर रख के, सुबह उठते थे तो पैर पड़ते थे, और रात में सोने के पहले भी पैर पड़े जाते थे, जो भी उपलब्ध हो, जो हमसे बड़ा हो। 7 दिन हो गए साहब क्राइस्ट चर्च में, मम्मी और बाबूजी आए और उन्होंने हमको छोड़ा। हम तीनों भाई, मैं सबसे छोटा और मुझसे 2 बड़े, क्राइस्ट चर्च जबलपुर में हम थे। हम तीनों भाई बाकायदा अगले इतवार का इंतजार करने लगे, क्योंकि इतवार को ही माता पिता से मिलने की हमारे अंदर स्वतंत्रता थी। साहब 3 बजे से हम तीनों भाई बाकायदा ग्रीन कलर का अपना ब्लेजर और वो स्ट्राइप वाली टाई और बाटा के नॉटी बॉय शूज और बिल्कुल बाकायदा अप टू डेट होके टाई वाई लगा के हम तीनों भाई अपने विजिटिंग रूम में माता पिता के इंतजार करते रहे। और अचानक हमने देखा कि क्राइस्ट चर्च के, ऐसा ही बड़ा प्रमाइसिस था, क्राइस्ट चर्च के मेन गेट से हमारी फोर्ड ओपन जीप थी जिसको हमारे बड़े भाई ड्राइव कर रहे थे, बाबूजी बैठे थे और मम्मी बैठी थी, और फोर्ड हमारी एंटर होती है। अब हमारे अंदर उत्सुकता थी कि हम जाकर मम्मी बाबूजी से मिल लें, क्योंकि हम पहली बार घर से 7 दिन के लिए बाहर निकले थे और हॉस्टल में रह रहे थे, छोटे बच्चे थे, ये तो बड़े बच्चे हैं, इनसे भी हम छोटे थे। लेकिन स्कूल का अनुशासन था कि नहीं, आप जहां पर हैं वहीं पर रहिए। हमने धैर्यपूर्वक देखा, मम्मी बाबूजी उतर के आए और हम अपने ही जगह पे खड़े रहे। वो आए और हम तीनों ने ऐसे ही खड़े होकर, जैसे सैनिक जब विश्राम की मुद्रा में सावधान होता है, तो बाकायदा कहा गए गुड इवनिंग मम्मी, गुड इवनिंग बाबूजी, वहीं पे खड़े खड़े। बाबूजी ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और गुड इवनिंग सुन के मम्मी की निगाह अचानक बाबूजी की तरफ गई और वो भी मुस्कुराई, और दोनों ने मुस्कान में, मुझे लगा मैं इंप्रेस करना चाहता था मम्मी बाबूजी को, और मैं ये बताना चाहता था कि देखिए अब हम सिविलाइज्ड हैं और गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग और देखिए इससे, तो मुझे लगा कि अब ये प्रभावित हो गए मुझसे, बहुत अच्छे। तभी इन्होंने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। फिर हम कॉर्नर में गए, उन्होंने पूरी तफसील से पूरे हफ्ते की हमसे विवरण लिया कि क्या हुआ, कैसा हुआ, कैसे हो। हम तीनों भाइयों ने बारी बारी अपने विवरण दिए, अपने अनुभव उनके साथ बांटे। और फिर जब जाने का टाइम होने लगा तो बाबूजी ने उससे ठीक 10 मिनट पहले कहा कि तुम तीनों अपना बस्ता बांधो, सामान उठाओ, घर चलना है। अब अवाक थे, हमने कहा जी। बोले कि बेटा अब यहां रहना नहीं है, तुमको घर चलना है, घर ले चलेंगे तुमको, गाडरवारा पढ़ो। तो चूंकि हमारे यहां बच्चों को बोलने की परम स्वतंत्रता थी और सबसे पहले बोलने का हक उसको दिया जाता था जो सबसे छोटा हो, तो
मैंने बाबूजी की तरफ, जैसे हमारे घर में परंपरा थी कि अगर कोई सवाल हो तो हमें हाथ उठाना पड़ता था कि, तो हमने ऐसे हाथ उठा के उनसे कहा कि क्या मैं कुछ बोल सकता हूं। उन्होंने कहा हाँ बोलू। मैंने कहा क्या वजह है कि आप मुझे एक हफ्ते में ही यहां से उठाकर वापस गाडरवारा ले जाना चाहते हैं। तो बड़ी प्यारी बात उन्होंने कही और उसी प्यारी बात की दम पे आज आशुतोष राणा जो शेष था वो विशेष आशुतोष राणा हो गया। वो उन्होंने क्या कहा वो काम की बात है, ये सब हमारे आपके सबके काम की बात है, आप लोग अभिभावक लोग हैं। उन्होंने कहा कि बेटा हमने तुम्हें नया सीखने भेजा था, पुराना भूलने नहीं भेजा था, और जो नया पुराने को भुला दे तो समझ लो बेटा कि नए में दोष है। तुम्हारा पिता ग्रामीण आदमी है, वो नए के बारे में बिल्कुल नहीं जानता। मैं ये नहीं कहता कि गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग बुरी चीज है, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि चरण चरण स्पर्श करना, अपने बड़ों को चरण स्पर्श करना बहुत अच्छी चीज है। और अगर एक नए ने 7 दिन के अंदर तुम्हारा पुराना भुला दिया, इसका मतलब है कि बेटा वो 7 दिन में इतने जल्दी तो संस्कार, जो तुम्हारे 8 साल के तुम हो गए हो, 7-8 साल के, और 8 साल की व्यवस्था अगर 7 दिन में भुला दी जाए, इसका मतलब है कि बेटा ये सामान्य प्रक्रिया नहीं है, ये बेहोशी का इंजेक्शन लगाया जा रहा है। और मैंने विद्यालय में बच्चों को होश में लाने के लिए भेजा गया था, बेहोश करके उनका परिवर्तन करने के लिए नहीं भेजा गया था। तो मैं एक किसान आदमी हूं, मैं समझ सकता हूं होश और बेहोशी में, क्योंकि जब हम किल्ली मारते हैं तो हम पाउडर छड़कते हैं ताकि तत्काल हमको प्रभाव पड़े। और अगर 8 साल का तुम्हारा सभ्यता, तुम्हारी संस्कृति 7 दिन में बदल गई है, तो बेटा ये होश का उपचार नहीं है, ये बेहोशी का उपचार है। और मेरा बच्चा विद्यालय होश में लाने के लिए भेजा गया है, बेहोश करने के लिए नहीं भेजा गया। जो वो बोलते हैं आगे, तुम निरक्षर रह जाओ लेकिन तुम संवेदनशील रहो, तो मैं निरक्षर होते हुए संवेदनशील व्यक्ति को अधिक पसंद करता हूं, वनस्पत साक्षर होते हुए असंवेदनशील व्यक्ति के।